ठेठ हरियाणवी बोली में पढ़ाई का यूट्यूब चैनल हरिकेश का पड़ोस सबका स्वागत करता है भाई। प्यारे चुनू मुनुओं, सेट 3 दिसंबर 2021 के लिए डेट शीट आ चुकी है, नोट कर लें। पहली और दूसरी कक्षा खातर मौखिक रूप से पेपर लिया जाओगा, अपने कक्षा इंचार्ज इसका प्रबंध अवश्य कर लें। तीसरी कक्षा के लिए नोट करें, 16 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, 18 तारीख को आपका गणित का पेपर है प्यारे चुनू मुनुआ, 20 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है और 22 तारीख को आपका EVS का पेपर है। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी नोट करें। ई बात करेंगे आप चौथी क्लास के लिए, कक्षा 4 के विद्यार्थी गणित का पेपर देंगे 15 तारीख को, 17 तारीख को आपका होगा हिंदी का पेपर और 18 तारीख को आपका EVS का पेपर और 21 तारीख आप तैयारी रखेंगे इंग्लिश के पेपर के लिए। यानी कि आपने चारों पेपर ये अच्छी तरह से तैयारी करके देने हैं ताकि आपके भविष्य में मूल्यांकन करते समय अंकों का अधिमान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके आपको। और पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थी नोट करें, 15 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, 17 तारीख को आपका गणित का पेपर है और 20 तारीख को आपका EVS का पेपर है और 22 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है प्यारे चुनू मुनुओ। छठी कक्षा के विद्यार्थी नोट कर लें, जो 15 तारीख है उसमें आपने साइंस का पेपर देना पड़ेगा, 17 तारीख है उसमें गणित का पेपर है, 18 तारीख को हिंदी का है और 20 तारीख को आपका संस्कृत, उर्दू या पंजाबी आपके पास है जो वो पेपर आपने देना है। 21 तारीख को आपका सोशल साइंस का पेपर रहेगा, 22 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा और 23 दिसंबर को आपका ड्राइंग, होम साइंस, म्यूजिक या फिर अन्य जो वोकल इंस्ट्रूमेंटल जो कोई पेपर है वो आपका रहेगा। सातवीं कक्षा के विद्यार्थी नोट करें, आपका 15 तारीख को है गणित का पेपर, 16 तारीख को सोशल साइंस है, 17 तारीख को हिंदी का है, 18 तारीख को साइंस का पेपर है, 20 तारीख को इंग्लिश का है, 21 तारीख को आपका संस्कृत, उर्दू या पंजाबी में से विकल्प के तौर पर एक पेपर रहेगा, 22 तारीख को आपका ड्राइंग, होम साइंस या म्यूजिक या फिर वोकल इंस्ट्रूमेंटल है जो ये पेपर रहेंगे। और आठवीं कक्षा के विद्यार्थी नोट करें, 15 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, 16 तारीख को आपका ड्राइंग, होम साइंस, म्यूजिक या वोकल इंस्ट्रूमेंटल है ये पेपर रहेंगे, 17 दिसंबर को आपका गणित का पेपर है, 18 दिसंबर को आपका सोशल साइंस का पेपर है, 20 दिसंबर को आपका साइंस का पेपर रहेगा और 22 दिसंबर को संस्कृत, उर्दू या पंजाबी में से विकल्प के तौर पर आपने पेपर देना है और 23 दिसंबर को आपका हिंदी का पेपर रहेगा। प्यारे बच्चों, आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। नौवीं कक्षा के विद्यार्थी नोट करें, 15 तारीख का आपका इंग्लिश का पेपर है, 16 तारीख का संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, पंजाबी, PHE या NSQF आप में से पेपर होगा और आपका साइंस का पेपर रहेगा 18 दिसंबर को और 20 दिसंबर को आपका रहेगा हिंदी का पेपर, 21 तारीख को आपका होगा सोशल साइंस का और आपका 23 दिसंबर का है मैथमेटिक्स का पेपर। दसवीं कक्षा के विद्यार्थी नोट करें, आपका 16 दिसंबर को है इंग्लिश, 17 दिसंबर को है हिंदी, 20 दिसंबर को साइंस का, 21 दिसंबर को संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, पंजाबी, PHE या NSQF का और 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स का और 23 दिसंबर को सोशल साइंस का पेपर है। अब 11वीं कक्षा के विद्यार्थी नोट कर लें, भाई 15 तारीख को आपका प्यारे बच्चों इंग्लिश कोर या इलेक्टिव ये पेपर है, 15 दिसंबर को ही आपका इकोनॉमिक्स और होम साइंस का पेपर रहेगा, 16 और 17 की आपकी छुट्टियां हैं और 17 दिसंबर को आपका सोशियोलॉजी है, बिजनेस है, स्टडीज या फिर केमिस्ट्री है ये पेपर रहेगा और 17 दिसंबर को ही आपका संस्कृत है, पंजाबी, उर्दू है तो ये पेपर रहेंगे, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर की आपकी छुट्टी रहेगी, 20 दिसंबर को आपका NSQF सब्जेक्ट्स हैं और 20 दिसंबर को ही आपका कंप्यूटर है या ज्योग्राफी है ये रहेंगे, 21 तारीख को आपका हिस्ट्री, फिजिक्स या अकाउंटेंसी रहेगा और 21 तारीख को ही आपका हिंदी कोर या इलेक्टिव रहेगा क्योंकि विकल्प के तौर पर बच्चे अलग अलग जो टर्म पढ़ते हैं, और आपका 23 दिसंबर का है 11वीं कक्षा के लिए मैथ है, बायोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एड है और 23 दिसंबर को ही आपका फाइन आर्ट्स है या म्यूजिक है या साइकोलॉजी है ये पेपर रहेंगे।
बारहवीं के विद्यार्थी नोट कर लें, 15 तारीख को आपका पेपर रहेगा मैथ, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, और 16 तारीख को आपका पेपर है इंग्लिश कोर इलेक्टिव, और 16 को ही है हिंदी कोर या इलेक्टिव। उसके बाद आपका पेपर 18 तारीख को सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडीज या केमिस्ट्री का है, और इकोनॉमिक्स, होम साइंस भी 18 तारीख को पेपर है। 20 तारीख को आपका फाइन आर्ट्स का म्यूजिक का है या साइकोलॉजी है, और 20 को ही आपका कंप्यूटर साइंस और ज्योग्राफी का पेपर है। इसके बाद 22 दिसंबर को आपका हिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी है। 22 तारीख को ही आपका NSQF सब्जेक्ट्स हैं, और इस तरह से अच्छी तैयारी करेंगे प्यारे बच्चों, अच्छे नंबर लेंगे मूल्यांकन में। हो सकता है भविष्य में किसी कारणवश अगर खुदा न खास्ता लॉकडाउन की अगर कोई समस्या आ जाती है, तो प्यारे बच्चों आपका मूल्यांकन जो वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार होगा वो इन्हीं सेट 1, 2, 3 के आधार पर होगा। अच्छी तरह से ध्यान लगा करके पेपर दें, और भाई हरियाणवी भाषा में 1 से 5 मिनट का सिलेबस या कोई टेस्ट की तैयारी करनी है तो ठेठ हरियाणवी बोली में यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर आपका स्वागत है। गोल गप्पी जो आगे बैंड दियो, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।